बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद रिजवान हूँ एडवाइस एसोसिएट के यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम आपको बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के टोटल सेक्टर का ओवरव्यू देंगे। आज अभी हम इस टाइम खड़े हैं बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन प्रिसिंक्ट 6 में, जो कि फेज 8 एक्सटेंशन का पहला सेक्टर है। ये जो सेक्टर है ये बहरिया टाउन फेज 8 रोज गार्डन के बिल्कुल साथ वाक़ है। इसमें टोटल 10 मरला के प्लॉट हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्ट्रीट आ रही हैं, ये तकरीबन 10 मरला की डेवलप गलियां हैं। इसमें जो नया काम हुआ है या नई डेवलपमेंट हुई है वो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे स्ट्रीट 9 और 10 है, जो बिल्कुल सामने वाक़ है। इन स्ट्रीट 9 और 10 को उन्होंने टोटल कारपेट किया है। इसके साथ और काफ़ी सारा एरिया है जिसको उन्होंने अभी लेवल किया है, उसकी सीवरेज कम्प्लीट की है। तो रेट की अगर बात की करें तो इसका रेट सबसे हायर आया है, ये जो मार्केट में अभी पीक रही है। प्रीसेंट 6 का रेट जो है वो तकरीबन दूसरे सेक्टर से काफ़ी हायर है। इसकी जो डेवलप गली के डेवलप जो प्लॉट हैं उनकी कीमत तकरीबन 65 लाख से ऊपर रही है। तो आने वाले दिनों में इसके इसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अभी जो सेलर हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं कर रहे, प्लॉट सेल के लिए बहुत कम है। इस वजह से इसका रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्टर प्रीसेंट 1 की तरफ, उसमें आपको बताएंगे कितनी डेवलपमेंट होना बाकी है। जी तो अभी हम मौजूद हैं प्रीसेंट 1 में, जो फेज 8 एक्सटेंशन का दूसरा प्रीसेंट है। ये जो प्रीसेंट है ये अडियाला रोड को लिंक करता हुआ अडियाला रोड के ऊपर बिल्कुल वाक़ है। इसमें जो पहले हमने वीडियो की थी तो उसमें हमने दिखाया था तकरीबन 2 से 3 या 4 गलियां ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप थी। तो अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं ये टोटली उन्होंने लेवल कर दिया है, डेवलप कर दिया है। इसके साथ ये वाली जो नई ये स्ट्रीट्स नई बनी हुई हैं, तो ये इस डेवलपमेंट में काफ़ी जो है ना इसमें इजाफा हुआ है। इसमें तकरीबन स्ट्रीट 10 से ले कर 15 तक और 25 से ले कर 30 तक जो है अभी मौके पर जो है ना इन स्ट्रीटों के इन बिटवीन में ये गलियाँ जो हैं डिवेलप हैं। और जो डिवेलप स्ट्रीट्स हैं उनका रेट भी अच्छा है पहले की नस्बत। तो इन्होंने काफ़ी इसमें डेवलपमेंट की है और काम में काफ़ी बेहतरी नज़र आई है 4-6 माह में। पहले तो यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि साल दो साल पहले 1-2 साल में एक स्ट्रीट के डेवलप करते थे, लेकिन इन महीनों में बहरिया की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही है। उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए काफ़ी सारा एरिया जो है ना डेवलप किया है। तो अभी ये जो मेरे अकब में पीछे नज़र आ रहा है आपको एक घर सा बना हुआ है, यहाँ तक डेवलपमेंट थी पहले। तो अभी ये आप खुद देख सकते हैं, ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा एरिया इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है और डेवलपमेंट इसमें की है। तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डेवलपर, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी यही बात हमसे की है कि जो इधर मतलब बैरिया है उन्होंने हमें टारगेट दिया है कि आप 2 साल में इसको जो है ना रेडी करें एरिया को। तो ये लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जिनके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और जो आगे नेक्स्ट इसमें बाय करना चाहते हैं प्लाट, वो लोग उनके लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हासिल किया जा सके। जी तो अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत के लिहाज से इस सेक्टर में अभी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 10 मरला की जो डेवलप स्ट्रीट्स हैं उनकी प्राइस है 55 to around 60, और जो नॉन डेवलप स्ट्रीट्स हैं उनका रेट है तकरीबन 50+ मतलब अंडर 55। तो यानी कि 50 to 60 की ब्रैकेट में इसके जो प्राइस हैं वो चल रहे हैं। जो 3-4 माह पहले इसके रेट थोड़े कम थे, फिर ज़्यादा हुए, फिर कम हुए, मतलब इसी जो ब्रैकेट है इसके बीच में इसके रेट्स जो है ना वो चल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर प्रीसेंट 3 की जानब और आपको बताते हैं कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। जी तो अभी हम मौजूद हैं फेज 8 एक्सटेंशन के प्रीसेंट 3 में। ये फेज 8 एक्सटेंशन का वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसमें 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं, और किसी भी सेक्टर में 1 कनाल के प्लॉट अवेलेबल नहीं है। और डेवलपमेंट के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा सेक्टर है और जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। गो के ये फेज़ 8 से थोड़ा दूर है, लेकिन ये रिंग रोड के सबसे ज़्यादा करीब है और बैरियर ने डेवलपमेंट भी यहाँ से जो है वो स्टार्ट की थी, और दूसरे सेक्टर की नस्बत यहाँ पे डेवलपमेंट
ज़्यादा है। ये अभी हम जिन स्ट्रीट्स में मौजूद हैं, ये प्रीसेंट 3 की 10 मरला की 12 स्ट्रीट्स हैं। इसमें जो है इसके साथ ही 8 मरला का एरिया है, वो भी आपको दिखाएंगे, उसमें भी स्ट्रीट्स डेवलप हैं। और इसके साथ कनाल का एरिया है जहाँ पे सीवरेज कंप्लीट है और उन्होंने लेवल कर दिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था इसमें कितना एरिया डेवलप हुआ है, तो उस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए आप ये आप लोग ये मुआवजा करेंगे खुद ही कि इसमें और काम में कितनी बेहतरी आ चुकी है। और हमने देखा कि यहाँ पे जो मशीनरी लगी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसकी तादाद पहले से बढ़ा दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डेवलपर से भी हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने भी हमें यही आगाह किया कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है और तकरीबन 30-40% काम जो है वो उसमें बेहतरी आई है। इस सेक्टर की जो 10 मरला की कीमत है वो भी तकरीबन 50 लाख रुपए से लेके 60-65 लाख रुपए तक स्टैंड करती है मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा कोई प्लॉट हो तो। वैसे ओवरऑल इसकी कीमत यही है 50 से 60। और 8 मरला की अगर कीमत की बात करें तो वो तकरीबन अराउंड 43-44 लाख से लेके 50 तक स्टैंड करती है। और अगर कनाल की बात करें तो वो तकरीबन 75-76 लाख से लेके 95 लाख तक स्टैंड करती है। और कनाल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी स्ट्रीट्स कम हैं और यहाँ पे जो प्लॉट हैं वो लिमिटेड प्लॉट हैं, बहुत ज़्यादा कोई इसमें सेल के लिए प्लॉट नहीं आते हैं। तो ये एक अच्छा सेक्टर है जिसमें ये तीनों कैटेगरीज मौजूद हैं, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की मालूमात के लिए या सेल परचेज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो आप रابطہ कर सकते हैं एडवाइस एसोसिएट्स की टीम के साथ, क्योंकि एडवाइस नाम है एतमाद का।